एक लाइन से अगर हम शुरू करें कि इस्लाम क्या है तो हम इस्लाम को इस तरह से मानते हैं कि दोज हु इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड अदर गॉड दैट इज इस्लाम बस वन लाइन खत्म इफ वी लुक इन टू दिचुअल अच्छी अच्छी बातें भी करनी है अच्छी अच्छी बातें भी करनी है तो हमें कहना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इस्लाम द मेन पर्पस ऑफ द इस्लाम इज द वर्ड पीस अकॉर्डिंग टू द मोहम्मद साहब। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस्लाम दैट इज़ द वर्ल्ड पीस यह है सभी धर्मों का उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति की स्थापना हो लुक प्रायर टू द इस्लाम सोसाइटी वॉज वेरी प्रिमिटिव सोसाइटी देर वॉज नो रूल एन लॉ एंड ऑर्डर इन दोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी कबीलाई संस्कृति थी लोग ट्राइबल्स में कम्यूटीज में रहते थे ऑन दैट टाइम इस्लाम ऑफ द रे ऑफ होप पहला ऐसा अरेंजमेंट इस्लाम हुआ जिसने सोसाइटी में एक ऑर्डर को स्थापित करने की कोशिश करी थ्रू दुरानस थ्रू द कुरान कुरान इज मेन सोर्स ऑफ इस्लाम सो ओरिजिन ऑफ द इस्लाम जो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सोसाइटी में एक प्रकार की व्यवस्था अरेंजमेंट्स का भी जो है स्टार्टिंग वहीं से होना शुरू हुई क्योंकि अगर आप देखें कि आज के टाइम में और कल के टाइम ताँग में सोसाइटी बहुत बटी हुई थी इवन इंडिया डिवाइडेड टू मैंडी पार्ट छोटे छोटे राजा हर एक के अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट यही हाल पूरी दुनिया का था दैट्स वाई द दिस इट वॉफ द मेन रीजन

गवर्न सोसाइटी हाउ टू रन दी सोसाइटी तो इस तरीके से आप जरा सोचने की कोशिश करें जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा सोसाइटी जहां पर कंप्लीट फेलियर ऑफ दर्डर और इसके तुरंत बाद हमें इस्लाम आया और इस्लाम हमें बता रहा है कि हाउ टू लिव अवर लाइफ सब्सक्राइब फॉर मोर कॉन्सेंट्स